वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से रिव्यू, और आज मैं कर रही हूँ छोटा सा व्लॉग। पहली बार कर रही हूँ, कोई व्लॉगिंग की नहीं है मैंने। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, बच्चे लोग खेल रहे हैं और उनको डांस करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और उसी के साथ मैं कुछ खाने की सोच रही हूँ। सुबह का पहला जो चीज़ हमारे मुँह में जाना चाहिए मैं वो निकाली हूँ। हाँ, मुझे खाना है डेट्स, और ये कीमिया डेट्स जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और सुबह सुबह ये खाना मुझे बहुत पसंद है। आप सुबह उठो, लेमन वाटर ले लो, लेमन वाटर लेने के बाद हाफ़ एन आवर बाद आप डेट्स से अपनी सुबह का आगाज़ करो, बहुत ही अच्छा होता है और हेल्दी ऑप्शन है। और आप लोग भी खाएं, ये बहुत ही फ़ायदा करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आयरन की कमी आपके बॉडी में उसको पूरा करता है, और आपके दिन भर की जो मीठा खाने का जो क्रेविंग होता है ना, उसको ये चीज़ दूर कर देता है। और यहाँ पे मैं अपने लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही कम तेल में और बिल्कुल थोड़ा सा सब्ज़ी मैं अपने लिए बना रही हूँ, सिर्फ मुझे ही खाना है। और ये थोड़ा सा नहीं, ये बन के ये ज़्यादा ही हो जाता है। यहाँ पर मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई है, और ये सिर्फ तोरी की सब्ज़ी नहीं, मैं इसमें मूंग दाल भी डालूंगी। और सबसे पहले मैंने इसे बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें लाल मिर्च का तड़का डालकर मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें कटी हुई तोरी डालकर भूनी है अच्छे से, और उसके बाद उसमें हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और यहाँ पर मैं मूंग दाल डाली हूँ, और दाल डालकर मैंने इसमें हल्का सा पानी दिया है, और फिर मैं इसे अच्छे से चला लूँगी, और फिर मैं इसे ढककर थोड़े देर और पका लूँगी। और ये बहुत ही हेल्दी है, इसलिए मैं इस तरह की सब्ज़ी अपने लिए बनाती हूँ। मुझे पराठे के साथ ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पानी डालकर इसको अच्छे से गलने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हो, अगर आप ट्राई करना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको रोटी पराठे के साथ। यहाँ पर ये टेम्पटिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही, पर ये बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ पर मैं दूध बॉयल करने के लिए निकाली हूँ, जो कि फ्रीज़र में मैंने रख दिया था और वो जम चुका है। पर इसलिए मैंने रखा है जमने के लिए, क्योंकि जब जमा हुआ दूध को आप फ्रिज से निकालकर खौलाते हो, जो कि बर्फ़ बन जाती है, उसके बाद उसको खौलाते हो, तो इसके ऊपर ना जब दूध बॉयल होने के बाद ना बहुत मोटी मलाई जमती है, और ये मोटी मलाई से बहुत ज़्यादा घी निकलता है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, अगर आप मोटी मलाई निकालना चाहते हो तो सबसे पहले दूध को अपने फ्रीज़र में जमा दो, उसके बाद उसे बॉयल करो। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है, और अब मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ रोटी। और यहाँ पे मैंने लिया है आशीर्वाद सेलेक्ट शरबती करके, जो आटा होता है ना, मैं वो आटे से रोटी बनाऊँगी। और ये आटा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने अपने लिए एक पतंजलि का भी पैकेट मंगवाया है, पतंजलि आटे का, क्योंकि उसमें ब्रैन है, यानी कि चोकड़ ज़्यादा है, और चोकड़ वाली आटे की जो रोटी बनती है ना, वो हमारे स्टमक के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने उसे मंगाया है पतंजलि का, और मैं कुछ दिन के बाद उसका रिव्यू करूँगी आप लोगों से शेयर। अभी तो ये मैं आशीर्वाद आटे का रोटी बना रही हूँ, और वो सिंपल वाला आशीर्वाद नहीं है, ये आशीर्वाद सेलेक्ट शरबती आटा जो होता है वो है। तो यहाँ पे मैं अपने आटे को गूंद लूँगी अच्छे से, और काफ़ी अच्छी रोटी इसकी बनती है। और साथ साथ इसको अगर फ्रिज में आप 3 दिन का भी आटा हो जाता है, सना हुआ रखा हुआ फ्रिज में जो होता है, वो बिल्कुल भी काला नहीं होता, इसलिए मुझे ये आटा बिल्कुल पसंद है। और मुझे मोस्टली चोकड़ वाला आटा की जो रोटी होती ना, वो खाना पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा सा रफ़ होता है और हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप भी ये ट्राई करें, अगर जो मैदा होता है हमारे पेट के लिए इसलिए ख़राब होता है कि वो बहुत ही चिकना होता है, स्मूथ होता है, जो हमारे पेट के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं होता, हमारे इंटेस्टाइन में वो चिपक जाता है। और आटा जितना मोटा पिसा हुआ हो ना, वो उतना अच्छा होता है, उसमें जो ब्रैन होते हैं, हस्क होते हैं, यानी कि जो चोकड़ होता है, वो हमारे पेट की सारी गंदगी को काफ़ी अच्छे से निकाल देता है। वीक में चोकड़ वाली रोटी खाना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर आटा को अच्छे से गूंद ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी रोटी बनाऊंगी और मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। और बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, लोग देखकर ये भी कहेंगे क्या बना रही है, ऐसा कुछ टेम्पटिंग नहीं बना रही है। पर मैं जब अकेली होती हूँ ना घर में, तो मैं इसी तरह से अपने लिए सिंपल सा नाश्ता या खाना बनाती हूँ और ख़ुद के लिए खाती हूँ। और यहाँ पर मेरा आटा बिल्कुल सन चुका है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है।
आप भी अगर अपने घर में रोटी बनाओ ना, तो आटे को कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दो, सना हुआ आटा को, तुरंत रोटी ना बनाओ। उससे ये होता है ना कि रोटी कड़ी कड़ी सी बनती है। और यहाँ पे मेरा दूध हो चुका है बॉयल, और देखिए इसके ऊपर मोटी छाली अभी से ही जम गई है। अगर आप इसको कूल करके फ्रिज में रख दोगे ना ठंडा होने के लिए एकदम, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जब दूध आप बाहर निकालोगे फ्रिज से, तो देखोगे इतनी मोटी मलाई जम जाती है उसके ऊपर। और यहाँ पे मेरा आटे का पेड़ा बन गया है, और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए रोटी। आप देखिए पहले जो किचन में रोटी बनाया करती थी, अभी तो मंथ चल रहा है यहाँ सितंबर, और जब मैं रोटी मई जून जुलाई अगस्त में बनाती थी ना दिल्ली में अपने किचन में, तो मानो ऐसा लगता था कि पूरे पसीने से भीग गई। लेकिन अब दिल्ली का जो मौसम है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया, किचन में भी काम करने में मन लग रहा है, और ज़रा भी गर्मी जैसा नहीं फील हो रहा है। और जो ये सितंबर लास्ट का जो मंथ होता है ना, ये दिल्ली का बहुत ही अच्छा हो जाता है, और उतनी गर्मी नहीं रहती, धूप में उतनी गर्मी नहीं होती, बाहर घर सब जगह अच्छा लगता है। तो जैसे मेरी रोटी बन गई है, और यहाँ पर मैं अपने बच्चे के कपड़े को वॉश करने वाली हूँ वैनिश में। और ये जो वैनिश में जब से यूज़ कर रही हूँ ना, कि बच्चे के कपड़े पे थोड़ा सा भी स्टेन रह नहीं रहा है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और मैं इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ, और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि वैनिश किस तरह से मेरे बच्चे के सारे दाग धब्बे को दूर कर दिया है, स्टेन को रिमूव कर दिया है, और काफ़ी अच्छा ये काम करता है। इसलिए मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर करूँगी। और थोड़ा सा सर्फ डालिए और ये वैनिश एक ढक्कन डाल दीजिए, कपड़ा बिल्कुल चमक जाता है। वैनिश में मैं अपने कपड़े को सोक कर देती हूँ, और ये किसी भी तरह के स्टेन को रिमूव करने में बहुत ही अच्छा है। और चाहे बच्चे का कपड़ा हो, चाहे खुद का हो, चाहे जेंट्स का कपड़ा हो, ये हर तरह के दाग को बहुत ही आसानी से निकाल देता है। और इस पर आने वाला है एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो कि वैनिश में कपड़े धोने के बाद वो कपड़ा कैसा निकला, कैसा रहा, सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वैनिश तो कई लोग यूज़ कर रहे होंगे, मैं आज वीडियो बना रही हूँ इस पर। और जो लोग आप लोग यूज़ कर रहे हो, अगर आपका कपड़ा भी इससे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, या कोई और भी प्रॉब्लम अगर वैनिश से नहीं भी साफ़ हो रहा, तो मुझसे ज़रूर शेयर करिए, मुझे बताइए कि आखिर इससे ऐसा है क्या कि कोई दाग नहीं भी हटता हो। मेरा तो सारा दाग हट रहा है, और यहाँ पर मैंने वॉश कर दिया है और इसको सूखने के लिए डाल दिया है। और उस जो वैनिश वाले डिटर्जेंट में मैंने जो ये दोनों कपड़े बच्चे के सोक किया था, उसको मैंने फेंका नहीं है, उसी पानी में मैंने अपने किचन के टॉवल जो हैं, जिससे मैं सेल्फ वेल्फ जो भी कुछ पोछना रहता है, वो चीज़ को मैं इसमें सोक कर दे रही हूँ, काफ़ी अच्छे से वॉश हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपना छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और टिल देन बाय बाय।